आज इसी स्थान पर बीना में आईटीआई भी आईटीआई ये बोल दिया आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा, नया आईटीआई है यहाँ पे। एक और आईटीआई जोरदार ताली बजा मिली रहा तो क्या जाएगा, दो हाथ से अपना आनंद लो। 4,246 करोड़ की लागत से बीना सिंचाई परियोजना है जिसमें 262 गांवों के 90,000 हेक्टर भूमि में सिंचाई होने वाली है। बीना कुरवाई मार्ग, बीना खुरई मार्ग, बीना खुरई मार्ग पर बीना खिमलासा मंडी बामोरा विदिशा मार्ग, बीना आकाशोदा आगा शोध मार्ग। बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी नया हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र बीना का भी आपकी मांग पर इसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बीना का नगर पालिका भवन अभी किराए का चल रहा है या छोटा है, तो इसको नया बनाने के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जाती है। खिमलासा में तहसील की मांग है तो खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाया जाएगा। मंडी बमोरा उप तहसील भवन और आवासीय भवन का भी 2 करोड़ की लागत से निर्माण कराने की यही घोषणा की जाती है। खानगढ़ में उप तहसील आवासीय भवन नए निर्माण के लिए वहां भी 2 करोड़ देने की यही से घोषणा की जाती है। गड़ा पड़रिया से बीना कुरवई पहुंच मार्ग अभी पीएम जयसवाई से रपटा का स्थान पर लगभग 5 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की जाती है। नगर परिषद मंडी बमोरा को बनाने की भी घोषणा की जाती है। मंडी बमोरा में नया कृषि उपज मंडी भवन और आवासीय भवन 50 लाख की वहां भी देने की घोषणा की जाती है। बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन हेतु 1 करोड़ लगभग 30 लाख की लागत से इसका नया निर्माण भी मंजूर करते हैं। बीना नगर पालिका के विकास कार्य के लिए धन की कमी है मुझे बताया गया है, तो हमने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के कार्यों के लिए भी बीना नगर पालिका को देने की घोषणा करता हूँ। बीना से बमोरी पहुंच मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का लगभग 41 करोड़ की लागत से ये सड़क भी बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। भानगढ़ से गिरोल सड़क मार्ग लगभग 18.5 किलोमीटर 27 करोड़ की लागत से इसको भी बनाने की यही से घोषणा करता हूं। बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको बनाने की भी यही से घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि बाईपास की बहुत जरूरत है, कितने किलोमीटर का, 40 का है, 38 का है, 41 का है, चारों तरफ बाईपास बनाने की घोषणा भी बीना के लिए। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए तो नए जिलों में और बड़े संभागों में बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके और इस आयोग के मैंने सदस्य की घोषणा कर दी, पॉलिटिकल नियुक्ति भी जल्दी करने वाला हूँ। मेरे प्रदेश के अंदर लगभग 22,670 थाने सालों से उनकी सीमा नहीं बदली थी, सारी सीमा बदलते हुए थाने जनता की सुविधा के लिए होते हैं, पुलिस अपनी दक्षता से ड्यूटी कर सके, ये बदलाव होना चाहिए। इसलिए थाने की सीमा बदली, अब जिले और संभाग की सीमा बदल करके हम राज्य परिसीमन आयोग के माध्यम से वो योग्य व्यवस्था करेंगे ताकि जिले हमारे अपने पैरों पे खड़े हो सके।